पंजाब दे किसानां ने मुड़ वड्डा जिगरा दिखाया है ते हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदों अपना वड्डा जिगरा दिखाउणगे इस दी उड़ीक रहेगी। पंजाब दे किसान लीडरां ने ऐलान कर दिता है कि उह 23 नवंबर तो 15 दिनों दे लई यात्री गड्डियां खोलण दी वी मोहलत दिंदे ने। 15 दिनों दा समां उन्हां ने दिता है कि 15 दिन जिहड़ा यात्री गड्डियां वी चला सकदी है। केंद्र सरकार 22 तरीक तो 22 अक्तूबर तो माल गड्डियां चलाउण दी इजाजत पहला ही किसानां ने दित्ती हुई है, पर केंद्र सरकार अड़ी बैठी सी कि चलावांगे तां दोवें चलावांगे कट्ठियां, माल ते यात्री दोवें गड्डियां कट्ठियां चलावांगे, नहीं तां चलावांगे नहीं। ते फिर पंजाब दे किसानां ने पहलां वी पंजाब दा भला सोचदे ने, क्योंकि खुद वी पंजाब दे वासी ने, क्यों नहीं आपदा भला आप सोचणगे। सो उन्हां ने थोड़ी नरमी होर दिखाई है इस संघर्ष दे विच। हालांकि पहलां किसान लगातार यही कह रहे सी कि जे असीं यात्री गड्डियां चलाउण दी वी इजाजत दे दित्ती तां साडा संघर्ष ही खत्म हो जाएगा, पर उन्हां ने बड़े तरीके दे नाल 15 दिनों दे लई इह मोहलत दित्ती है केंद्र सरकार नूं। उन्हां ने इह वी नाल चेतावनी दे दित्ती है कि जे 15 दिनों दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों कोई गल ना खुली ते 15 दिनों बाद असीं ट्रैक फिर जाम करांगे। हालांकि ट्रैक हुण वी खोले गए ने, रेलवे स्टेशनां दे उत्ते किसानां दे जिहड़े धरने ने उह लगातार लगे हुए ने, कुछ रेलवे स्टेशन दे बाहर ने, रेलवे स्टेशनां दे पार्कां दे विच ने। इस तरीके दे नाल किसानां दे मोर्चे लगातार जारी ने, पर हुण 15 दिन देखना होएगा कि केंद्र सरकार कदों रेल गड्डियां चलाउंदी है, रेलवे है जिहड़ा उह कदों गड्डियां चलाउंदा है। किते हुण तां नहीं बहाना बना दित्ता जाऊगा रेलवे दे वल्लों जां फिर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल दे वल्लों कि साडे तां जी कर्मचारियां नूं सुरक्षा चाहीदी है, उन्हां लई सुरक्षित माहौल नहीं हैगा। सारे जिहड़े किसान हैगे ने मोर्चियां ते बैठे ने, उन्हां नूं रेलवे स्टेशनां तों बाहर कढ दिओ, कल्ले कल्ले नूं फिर रेल गड्डियां चलावांगे। सो जे केंद्र सरकार चाहुंदी है किसानां दे नाल गल्लबात मुकाउणी चाहुंदी है, इस अंदोलन नूं किसे सिरे लाउणा चाहुंदी है, तां हुण गड्डियां जरूर चलाईयां जाणगीआं। पर जे सोच ही लिया, जिवें किसान लीडर कहिंदे ने वी कि पंजाब नूं बर्बाद करना ही सोच लिया, तां केंद्र सरकार कुछ वी फैसला जां कुछ वी हुकम अगे ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ 100 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ।
15 दिसंबर तक धरना सी कोई नहीं चकना है, सिर्फ गड्डियां नूं छोट दित्ती अपना इतिहास दे विच तुसीं कदे नहीं देखिया होना कि पंजाब दे विच्चों लखां किसान उठ के दिल्ली नूं तुर पिया ते हरियाणे दे विच्चों तुर पिया अगे तो होर तो तुर पिया। यह पहली दफा ही होगा, इतिहास लौंग मार्च होगा ते हिला के रख दूगा केंद्र सरकार। इतिहास ते दर्ज होवेगा, दर्ज होगा इतिहासक फैसला है इसका। इतिहास होर भी बहुत बड़ियां समस्यावां सन जिन्हां नूं मुख रख के सानूं यह फैसला अज करना पिया, वो असीं कीता है ना किसी दे केंद्र दे दबाव थले ना पंजाब सरकार दे दबाव थले। साडा असीं 15-10 दिसंबर तक साडा फैसला। इस मौके किसान लीडर बूटा सिंह तो यह सवाल पूछा पत्रकारां ने कि जे तुसीं कह रहे हो कि असीं मुख्यमंत्री दे दबाव दे विच जां केंद्र सरकार दे दबाव दे विच कोई ये फैसला नहीं लिया यात्री रेल गड्डियां चलाउण दा, तां फिर जदों तुसीं दिल्ली दे विच मीटिंग कीती है, कई घंटे मीटिंग चली है रेल मंत्री नाल ते खेतीबाड़ी मंत्री नाल, उन्हां ने भी तुहानूं यात्री गड्डियां चलाउण लई कहा सी, तां उदों तुसीं क्यों नहीं मन्ने? तां किसानां ने अज खुलासा कीता है, कहिंदे उह जिहड़ी मीटिंग सी उहदे विच रवैया ठीक नहीं सी, खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री पीयूष गोयल दा रवैया साडे नाल बिल्कुल भी ठीक नहीं सी, उहनां दा व्यवहार जे ठीक हुंदा तां असीं नरम पै जाणा सी, असीं उस दिन भी मन सकते सी यात्री गड्डियां चलाउण लई क्योंकि केंद्रीय वजीरां दे नाल गलबात होई सी, पर उहनां दा रवैया ठीक नहीं सी, उहनां दा रवैया गल मुकाउण वाला जां गल दे हल करन वाला नहीं सी। इस करके हुण असीं आप ही इह जिहड़ा फैसला लिया हैगा। सो इह तां गल बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं असीं भी अपील करांगे कि प्रधानमंत्री साहब हुण जरूर वड्डा दिल दिखाउण, वड्डा जिगरा दिखाउण। पंजाब दे लोक भी इस मुल्क दे बशिंदे ने, पंजाब दे विच सब तो वध जिहड़ा वड्डी गिणती दे विच भाईचारा उह सिख भाईचारा है, जिन्हां ने देश की आज़ादी दे लई बहुत कुरबानियां दित्तियां ने, सब तो वध गिणती दे विच कुरबानियां होईयां ने। देश दीआं सरहदां ते जे लड़ रहा है कोई तां उह किसानां दे पुत्तर ही लड़ रहे ने। पंजाब दे किसानां दे तुसीं देख लो, घर घर पिंडां दे विच जाके तुसीं देख लो, पिंडां दे विच किसानां दे जे दो पुत्तर ने तां इक फौज दे विच हुंदा ते इक खेतां दे विच खेती करदा हुंदा, कई तां दोवें फौज दे विच हुंदे ने। सो किसान है जिहड़ा हर पासे अपना योगदान पा रहा है, ते प्रधानमंत्री नूं इह वी पता होना चाहीदा है कि पंजाब दे लोकां दा जिहड़ा दिल है उह बड़ा वड्डा है। इह तां कहिंदे जे पंजाब दे विच कोई झुक के दुश्मन भी आ जावे इहनां दे कोल आ के हथ जोड़ के खड़ा हो जावे, उहनूं वी माफ़ कर दिंदे ने। तुसीं तां फिर भी प्रधानमंत्री हैगे हो, थोड़ी जी नरमी दिखाओ। जे तुसीं आ के इक वारी पंजाब दे विच किसानां दे नाल बहि के गल्लबात करोगे तां मसला बड़ी जल्दी हल हो जाता है, क्योंकि मसले गल करन दे नाल ही हल हुंदे ने। उड़ीक रहेगी हुण केंद्र सरकार दे उस फैसले दी जिहदे विच इह कहा जाऊगा कि पंजाब नूं माल गड्डियां ते यात्री गड्डियां दोवें चलाईयां जाणगियां ते जल्द चलाईयां जाणगियां। परसों नूं 23 तरीक है ते परसों तो ही यात्री गड्डियां लई इजाजत दे दित्ती है किसानां ने। सो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जिहड़ी अज किसानां दे नाल बैठक हुई है चंडीगढ़ दे विच, उहदे विच मुख्यमंत्री ने इह वी फैसला जिहड़ा कर लिया हैगा, इह वी ऐलान कर दित्ता है कि किसान लीडरां दीआं जिहड़ियां होर मंगां सी जिवें कि गन्ने दे जिहड़े रेट नूं लै के ते जिहड़े बकाया पिया हैगा उह सारी पेमेंट है जिहड़ी बकाया राशि है उह दे दित्ती जाऊगी जल्दी, ते जिहड़े वी पराली साड़न नूं लै के केस दर्ज कीते ने उह वापस लै ले जाणगे 3 नवंबर तो पहलां। सो इह पंजाब सरकार ने ऐलान कीता है किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग तो बाद के 3 नवंबर तो पहलां जिहड़े वी किसानां दे खिलाफ पराली साड़न दे दोष दे विच केस दर्ज कीते ने उह सारे वापस लै ले जाणगे, गन्ने की बकाया राशि भी जल्द दे दित्ती जाएगी। धन्यवाद।